हे गाइस, आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड। और काफ़ी दिनों बाद ये वीडियो मैं शूट कर रहा हूँ, बिकॉज आफ्टर 6 मंथ आई थिंक, क्योंकि जैसे कि जो मेरे पुराने व्यूवर्स हैं उन्हें पता होगा कि मैं ट्रेनिंग पर चल रहा था, तो बहुत ही कम टाइम मिलता है खुद के लिए। सो अब ट्रेनिंग बस कंप्लीट होने ही वाली है 3-4 दिन में, उसके बाद वीडियोज़ कोशिश करूँगा डालने की, क्योंकि ड्यूटी पर टाइम मिला, क्योंकि स्टडी भी करनी है आगे। सो स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। तो आज की वीडियो में छोटा सा टॉपिक लेना है कि मेरे को कि सक्सेस होती क्या है, क्योंकि सक्सेस को जनरली मैंने जो देखा है, जो मेरे साथ के लोग भी हैं फ्रेंड सर्कल में, फैमिली मेंबर्स में, सफलता को एक सिंगल डायमेंशन ही देखते हैं कि जो बंदा अच्छी नौकरी कर रहा है, अच्छे पैसा कमा रहा है, बड़ा घर है, अच्छी गाड़ी है, सब कुछ है, तो उसको एज ए सक्सेसफुल पर्सन देखा जाता है। तो मेरी नज़र में वो थोड़ा सा गलत है एक सक्सेस का मेज़र करना, क्योंकि कोई इंसान सफल है सिर्फ हम एज ए उसकी प्रोफेशनल देख के, या उसका ऑक्यूपेशन देख के, उसकी रिचनेस देख के हम ये नहीं पता कर सकते कि यस दैट इज़ द मोस्ट सक्सेस, बिकॉज इट इज़ अ मल्टी डायमेंशन। जब तक हम उसको, पहले तो सफलता का मतलब होता क्या है, हर पर्सन के लिए अलग अलग उसने अपनी डेफिनेशन सेट कर रखी है हर इंसान ने। क्योंकि एक होता है, देखो, एक होता है जैसे कि किसी ने, इंसान ने बहुत पैसा कमा लिया, डॉक्टर बन गया, इंजीनियर बन गया, या कोई बिजनेसमैन बन गया, बहुत पैसा आ गया, बट एट लास्ट उसके लिए खुद के लिए भी अपना टाइम नहीं निकाल पा रहा है, और खुद बीमारियों से जूझ रहा है, बीमारियां उसके अंदर पैदा होती जा रही हैं, उस अपने ना एक्सरसाइज कर पा रहा, ना अच्छे से खा रहा, ना कुछ, कोई टाइम शेड्यूल नहीं हो पा रहा, भीड़ में, बस दुनिया की भीड़ में दौड़े जा रहा है। तो क्या आप उसको, ऐसे पर्सन को सक्सेस बोलेंगे? नहीं। और दूसरी तरफ ऐसा बंदा है जो सिर्फ उतना ही कमा पाता है जितना उससे घर चल सके, अपना खाना पीना कर सके, उसमें अपना वो अपना वर्कआउट भी कर लेता है, योगा कर लेता है, हो सकता है उसके बड़ी गाड़ी ना हो, छोटी गाड़ी से ही काम तो हो रहा है ना, हो सकता है महंगा फ़ोन ना हो, सस्ता फ़ोन से ही, पर काम तो हो रहा है ना। बट वो बंदा अपनी फैमिली के साथ भी टाइम स्पेंड कर रहा है, खुद के लिए भी टाइम निकाल रहा है, और हेल्दी भी है, तो क्या वो सक्सेस ज़्यादा है या वो सक्सेसफुल ज़्यादा है बंदा है? सो हमेशा अगर आपको सफलता देखनी है कि कोई बंदा कितना, कि कोई इंसान कितना सक्सेस है, तो सिर्फ एक ही पर्सपेक्टिव ना देखें, मल्टी पर्सपेक्टिव को देखें। और सिमिलरली आप एज ए स्टूडेंट हैं अगर आप, और अगर आप देखते होंगे यार एक स्टूडेंट तो अपने एसी में पढ़ रहा है, उसके फादर इतना सपोर्ट करते हैं उसे, उसके फादर तो यार एसी गाड़ी भेजते हैं, एसी का रूम ले रखा है, कोई कमी नहीं है, सारी सुख, सारी फैसिलिटी हैं। तो होते हैं कुछ स्टूडेंट जो थोड़ा सा अपना मोरल डाउन कर लेते हैं ऐसे ऐसा सोच के, बट ऐसा बिल्कुल नहीं देखना चाहिए, बिकॉज रियलिटी में अगर जिसने, अगर ऐसे बंदा टॉपर भी हो गया, ऐसे स्टूडेंट को सक्सेस का मज़ा भी नहीं आएगा जितना मज़ा ऐसे स्टूडेंट को आएगा जिसने खुद स्ट्रगल कर रहा है, इनफैक्ट पढ़ने के लिए, फीस के लिए खुद अपना पैसों के लिए जुगाड़ कर रहा है, कहीं ना कहीं ट्यूशन पढ़ा रहा है, कहीं जॉब कर रहा है, तब अपनी कोचिंग की फ़ीस दे पा रहा है। और मानते हैं ऐसे बंदों का सिलेक्शन बेशक लेट होता है, पर जो उसके बाद जो सक्सेस मिलती है ना, जो सफलता मिलती है, उसका मज़ा ही अलग होता है। जो उस फेज से गुजर रहे होंगे वो रिलेट कर पा रहे होंगे। तो बस यही कहूँगा कि प्रोसेस को एंजॉय कीजिए, और अगर आपको सफलता भी नहीं मिल पा रही है तो कहीं ना कहीं कमी ज़रूर हो रही होगी, बट यस डोंट गिव अप, हार नहीं माननी कभी भी, क्योंकि अगर आपने अभी छोड़ दिया, हो सकता है आपकी मंजिल एक स्टेप आगे हो। बस यही है कि अपनी जो भी आप तैयारी कर रहे हैं उसका एनालिसिस ज़रूर कीजिए कि हाँ मेरे में कमी कहाँ हो रही है, ओके। और टाइम मैनेजमेंट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, जैसा कि मैं पहले से बोलता आ रहा हूँ कि टाइम मैनेजमेंट बिल्कुल कीजिए। सो जो इनका एग्ज़ाम निकल गया है, वेरी गुड, बेस्ट ऑफ लक फॉर योर फ्यूचर लाइफ, एंड प्लीज़ अपनी हेल्थ का ज़रूर ख्याल रखिएगा, क्योंकि आप पैसा कमा लेंगे पर आप क्या हेल्थ ख़राब होगी तो वो पैसा किसी काम का नहीं आएगा। सो बिकॉज एंड मैं पहले से बोलता आ रहा हूँ कि हेल्दी माइंड सेट्स इन ए हेल्दी बॉडी। सो पढ़ते रहिए, और जिनका सिलेक्शन हो गया है बेस्ट ऑफ लक फॉर द फ्यूचर लाइफ, एंड ऐसे ही आगे बढ़ते रहिए। और जिनका एग्ज़ाम अभी क्रैक नहीं हो पा रहा है तो निराश मत होइए, बस प्रैक्टिस करते रहिए, प्रैक्टिस मेक्स ए मैन परफेक्ट। क्योंकि हो सकता है कि अभी आप उस एग्ज़ाम के लिए या उस पोस्ट के लिए अभी आप रेडी ही नहीं हुए हैं, इसलिए अभी तक आप उसको क्लियर नहीं कर पा रहे एग्ज़ाम को। बस अपना मनोबल हाई रखिए और आगे बढ़ते रहिए। सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो, आई होप यू लाइक इट, सो मेक यू सब्सक्राइब माई चैनल एंड शेयर दिस वीडियो टू योर फ्रेंड्स। थैंक यू, सी यू नेक्स्ट वीडियो। जय हिंद।